अगर वो कानून नहीं जाएगा तो तुम जाओगे, ये एहसास उन्हें और ये करके रहेंगे, क्योंकि मुद्दई लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, हम बदलेंगे नहीं, हम ये कानून वापस लेंगे नहीं। तो हमारी शांति की ताकत से उनको हराने का वक्त आ गया। अगर वो लोग गोली छोड़ते हैं, अगर वो लोग गोली छोड़ते हैं तो हम हमारी बोली से उनको थकाएंगे, हराएंगे। तो आप सब यहाँ आकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज ये महत्व का नहीं है कि हम बापू को याद करते हैं या नहीं, लेकिन आज ये प्रश्न पूछना हमारे लिए जरूरी हो गया है कि क्या हम उस धरोहर के लायक रहे हैं या नहीं, जो विरासत बापू और पंडित जी और सरदार साहब और नेताजी और मौलाना साहब हमें छोड़ के गए, क्या हम उसके काबिल अपने आप को मान सकते हैं या नहीं। क्योंकि आज जहाँ इस मुल्क, ये मुल्क और पूरी दुनिया बापू की शहादत की मिसाल दे रही है, वहीं उसी शहर में जहाँ बापू का कत्ल हुआ, वहाँ एक बंदूकधारी रास्तों पर बंदूक चलाकर गोलियां मार रहा, तो क्या हो गया है हमारे भारत को? एक तरफ राजघाट पर आंसुओं का तमाशा दिखाया जाता है और रास्तों पर खून की होली खेली जा रही है। ये हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है कि क्या हम 70 साल में इतने गिर चुके कि अब हमारी जो संस्कृति है वो इतनी घिनौनी बन गई कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये चिंता का विषय हमें होना चाहिए और इसीलिए यहाँ हमें जमा होना है, क्योंकि श्रद्धांजलियाँ देने से कुछ नहीं होने वाला। आज काम का वक्त है, आज लड़ाई का वक्त है। जिस मुल्क का सपना हमारे रचनाकारों ने देखा था, उस मुल्क को भ्रष्ट किया जा रहा है। एक मुहिम चलाई जा रही है जिसके तहत इस मुल्क की आत्मा को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। बार बार ये जो शब्द कहा जाता है कि हम न्यू इंडिया बना रहे हैं, वो एक ही बात है, वो सच्चाई से बोलते हैं, क्योंकि उनको इस हिंदुस्तान से नफरत है, उनको इस हिंदुस्तान की परहेज है। इसीलिए वो नया एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जो कुंठित हो, जो सिर्फ एक संप्रदाय के लिए हो, जिसमें किसी एक जाति का वर्चस्व हो। और यही बातें हमारे जिन रचनाकार थे उन्होंने इसके खिलाफ ऐसा मुल्क बनाया और ऐसा संविधान बनाया। बापू की हत्या के लिए नथुराम ने 3 गोलियां चलाई थी 30 जनवरी 1948 को, पर हमारे संविधान की हत्या के लिए इन्होंने 3 गोलियां चलाई इस साल, CA NRC और आजाद हिंदुस्तान की आत्मा को मारने के लिए चलाई गई गोलियां हैं। ये याद रखिएगा, ये गोलियों का सिलसिला आज भी चालू है और गोलियों का शिकार होता है गरीब, हमारी रास्तों पर की जनता। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम हमारी ताकत हमारी संख्या से दिखाए, हम कितनी, वो कितना भी चाहे हमें बांटे, हम बटेंगे नहीं। ये हमारा विश्वास ही उनको हरा सकता है, ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। हम एक, जब जब हम एक रहे तो ताकतवर बने, जब जब हम बटे तो कमजोर हुए। पहले भी जब बटे थे तो गुलाम बने थे, आज के जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं वो भी हमें बटे रखना चाहता है ताकि उनकी सत्ता कायम रहे। तो हमें ये तय करना है कि हम बट के कमजोर हो जाएंगे या हमारी एकता में हमारी ताकत न सिर्फ जुल्मियों को दिखाएंगे, लेकिन दुनिया को हम ये दिखाएंगे कि हम जब एक संगठित होते हैं तो कितने ताकतवर होते हैं। आज वो वक्त आ गया है कि जब हम सब इस तरह से वापस
जैसे हमारे आजादी की जंग में हम एक हुए थे, उसी तरह से वापस इन आतताई ताकतों के खिलाफ एक होकर लड़े। अगर सरकार ये कहती है कि हम बदलेंगे नहीं, हम ये कानून वापस लेंगे नहीं, तो हमारी शांति की ताकत से उनको हराने का वक्त आ गया। अगर वो लोग गोली छोड़ते हैं तो हम हमारी बोली से उनको थकाएंगे, हराएंगे, क्योंकि शब्दों की ताकत नहीं। हमेशा जिस साम्राज्य के ऊपर ये कहा जाता था कि उसके ऊपर सूरज कभी डूबता नहीं है, हमारे शब्दों की भावनाओं की ताकत ने ही उस साम्राज्य को भी आज एक सिर्फ छोटे से देश तक सीमित करके छोड़ दिया। ये याद रहे, ये भरोसा रहे हमारी ताकत पर, जनता की ताकत। और जिनको सत्ता का गुरूर हो गया है, उनको अगर उनका उस गुरूर मिटाना है तो हमें हमारी ताकत से ही उसे चकनाचूर करना पड़ेगा, उनकी आंखें खोलनी पड़ेगी। अमित शाह, अगर वो कानून नहीं जाएगा तो तुम जाओगे, ये एहसास उन्हें ये भरोसा हमारे अंदर होना चाहिए, ये हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए कि उनको ये दहशत लगे कि ये लोग अगर एक हो गए तो हमारा ठिकाना नहीं रहेगा। यही हमारी ताकत है। और इसीलिए आज जैसे जो हमारे इतिहास के प्रसंग है उनको याद करकर, उन बलिदानों को याद करने की जरूरत है। और वैसे भले हम वैसे बलिदान ना दे सके, लेकिन हमारा वक्त कुर्बान कर सकते हैं, हमारी ताकत कुर्बान कर सकते हैं, और ये हम करेंगे और ये करके रहेंगे, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। शुक्रिया।